हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरी बिहारी रसोई। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी स्पाइसी स्वीट कॉर्न। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे आप स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। चलिए इसे बनाना शुरू करें। स्वीट कॉर्न की कोई भी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न को उबालना पड़ता है। तो स्वीट कॉर्न उबालने के लिए हमने ये दो स्वीट कॉर्न लिया है, उसके सारे दाने निकाल लिए हैं। चलते हम इसे उबाल लें। हमने अपनी कुकर रख ली है, हम इसमें सारे स्वीट कॉर्न डालेंगे। अभी हम इसमें 3 ग्लास पानी डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट डालने से स्वीट कॉर्न जल्दी से उबल भी जाएगा और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा सॉल्टी का टेस्ट भी आ जाएगा। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक इसको उबालेंगे। देखिए हमारा स्वीट कॉर्न अच्छे से उबल गया है। अब हम इस कप को निकाल लेंगे। हम इसे छन्नी वाले बर्तन में निकालेंगे ताकि पानी सब निकल जाए। देखिए हमने सब निकाल लिया है। अब हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। क्रिस्पी फ्राइड स्वीट कॉर्न बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप स्वीट कॉर्न। ये हमारा 1/2 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर। अब हम सबको मिक्स करेंगे। तो हम इसके लिए सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें अपने स्वीट कॉर्न डालेंगे, कॉर्न फ्लोर, सॉल्ट और रेड चिली पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके स्वीट कॉर्न और कॉर्न फ्लोर का बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगा तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं। आप रेस्टोरेंट वगैरह में इसको खाए होंगे, ये बहुत ही टेस्टी चटपटा लगता है और स्वीट कॉर्न ऐसे भी हेल्दी होता है। देखिए हमें बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, 1 स्पून के तकरीबन। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने अपना ये ऑयल रख दिया है, मैं यहाँ पे लोहे की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। आपके पास अगर लोहे की कढ़ाई नहीं हो तो आप नॉन स्टिक की कढ़ाई का ही यूज कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, हम पहले एक डाल के चेक करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब थोड़ा फ्लेम को कम करेंगे और इसमें और डाल देंगे। पहले हमें मीडियम फ्लेम पे और बाद में इसे हाई फ्लेम पे करना है। अगर हम शुरू में ही हाई फ्लेम पे कर देंगे तो हमारा कॉर्न चटक के बाहर निकलने लगेगा, हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए कॉर्न हमारा अभी आपस में चिपका हुआ है, हम इसे अलग अलग ऐसे करते रहेंगे। जैसे ही डीप फ्राई होगा तो ये अपने आप ही थोड़ा थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर आपका कॉर्न चटक के बाहर निकलने लगे तो आप एक थाली अपने पास में रखे रहिएगा और इसको ऐसे थोड़ा सा ढकने की कोशिश कीजिएगा ताकि चटक कर आपके मुंह पे ना आए। हमारा कॉर्न फ्राई हो चुका है और हम इसे बाहर निकालेंगे। इसको अच्छे से ऑयल हल्के कर लेंगे ताकि अच्छे से ऑयल इसको निकल जाए, फिर हम प्लेट में रखेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। बाकी बचे कॉर्न को भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम डालना है, हम एक बार में ज्यादा नहीं डालना है। देखिए फ्रेंड्स, हमने सब कॉर्न फ्राई कर लिया है। रेस्टोरेंट वगैरह में सही मिलता है खाने के लिए, लेकिन हमें इसे थोड़ा सा और टेस्टी बनाना है तो उसके लिए हम पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और सारे कॉर्न को निकालेंगे इसमें। देखिए कितना अच्छा कलर हो गया है, ये बच्चे बड़े बूढ़े सबको बहुत पसंद आएगा। क्रिस्पी के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है। इसको टेस्टी बनाने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 1 कटा हुआ ग्रीन चिली, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, हमने रखा है थोड़ा सा लेमन जूस। अब हम सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इसको और ज़्यादा चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं, बस कोई और ज़्यादा तीखा नहीं करना है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो आप ही इसे बनाइए और खाइए। इसका टेस्ट आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।